2 घंटे आई कैन मे बी प्लान टू नो चेक करता हूँ कि जहाँ जहाँ काइंडनेस है ना, क्योंकि काइंडनेस बहुत है, उनका जो लाइफ है, तरीका है, स्टोरी, तो मैं अभी निकल जाऊँगा। अभी इम्फाल से निकल रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्ट कोहिमा। यहाँ से तकरीबन 5 घंटे का रास्ता है, और वहाँ पे एक चर्च है जो मैं देखना चाहता हूँ आज, तो मे बी आई विल कवर दैट टुडे। टाइम हो गया 10:30 बजे, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते 3 बज जाएगा, तो 2 घंटे आई कैन मे बी प्लान टू यू नो चेक आउट द प्लेसेस एंड एवरीथिंग। और वहाँ पे अगर हॉस्टल मिल गया तो हॉस्टल में रह रहूँगा, तो आई विल अपडेट यू दैट। तो आई एम एक्चुअली सेइंग बाय बाय टू माई रूम, इट इज़ एक्चुअली सो गुड, अच्छे से सोया। और दूसरी बात यह है कि कल मैं बहुत भूखा था, अराउंड 1:30 इन दी अर्ली मॉर्निंग। मैं सोच रहा था कि क्या करूँ क्या करूँ, यहाँ पर कुछ भी नहीं था एक्चुअली। मुझे थोड़ा सा एडिटिंग बाकी था, तो एडिटिंग करते करते 10 बजे 10:30 बज गया था। फिर यहाँ पे ना कोई रेस्टोरेंट मिला, होटल में भी रेस्टोरेंट नहीं था, स्विगी फिर जोमेटो जितना भी एप्लीकेशन वो सब मैंने ट्राई कराया, कुछ भी नहीं था। तो देन आई आई हैड मेट अ फ्रेंड, मेट मतलब ऑनलाइन मेरा फॉलोअर है, तो उनसे मैंने बात शेयर की, क्योंकि वो कुछ मैसेज भेज रहा था। तो आई सेड कि मैं इतना यू नो आई एम वेरी हंग्री, तो उन्होंने मुझे एक डब्बा बना के दे दिया था, अच्छे से खाया यार। एंड आई एम सो थैंकफुल कि यहाँ का जो फीलिंग है ना इम्फाल का, बहुत ही अच्छा एंड पॉजिटिव फीलिंग लेके मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तो एनीवे, यो गाइस, दिस इज शान हियर, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अगेन मैं होटल डानी इंटरनेशनल, मतलब डानी कॉन्टिनल में रुका हुआ था, तो अभी मैं निकल रहा हूँ। हाँ यार, निकल रहा हूँ। हेलो, हाय। कल रात को मैंने एक बॉटल पानी लिया था, 31 रुपीज़ है, तो वो भी पे कर लिया। अभी मैं निकल जाऊँगा, कहाँ पे? कोहिमा, कोहिमा आई एम कमिंग। बारिश भी हो रहा है यार। चलो सर, बाय बाय, टेक केयर। तो आई हैव टू फिल एयर, नाइट्रोजन भरना है इसमें, थोड़ा सा चेकिंग करना है, उसके बाद डायरेक्ट कोहिमा। यार कोहिमा वॉर सेमेट्री तो पहुंच ही गया, बट ये देखो कितना ट्रैफिक है यार, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है। पता नहीं कैसे मैं ये घूम के यहाँ पे, यही है एक्चुअली कोहिमा वॉर सेमेट्री, तो वहाँ जाना तो चाहता हूँ, मगर पता नहीं कैसे यहाँ से निकलूँगा और ऊपर जाके पार्किंग करूँगा, वो भी पार्किंग ढूँढना पड़ेगा, यहाँ पर पार्किंग का भी मसला है भाई गॉड। चलो देखते, बहुत दूर जाके मैं यू टर्न करके आया हूँ, अभी मुझे ऊपर देख, मतलब वहाँ पे अब देख नहीं पाओगे, यहाँ से मुझे भी नहीं देख रहा है। अभी वहाँ जाके सेमेटरी भी देखना है और चर्च भी देखना है, आज का प्रोग्राम यही था। मुझे नहीं लगता हो पाएगा, क्योंकि 4:30 ऑलरेडी बज चुका है। ऊपर जाके देखते हैं, अगर मिले तो अच्छा था, क्योंकि ये जो सेमेटरी है बहुत सारे जवानों को यहाँ पे मतलब दफनाया गया है, तो आई मीन उनके हिसाब से, उनके वो जो रिलीजन में वो विश्वास करते हैं ना, उस रिलीजन के हिसाब से यहाँ पे उनके अंतिम संस्कार किया है। तो मतलब यू नो दीज आर आर हिस्ट्री, ये भी World War II में ही हुआ था, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में मैं आपको दे दूंगा। अगर वहाँ पे पार्किंग नहीं मिला तो मैं गाड़ी में बैठ के ही आपको दे दूंगा इन्फॉर्मेशन, नहीं तो मैं अंदर जाके पूरा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है? देखते हैं मेरा नसीब क्या
लिखता है कोहिमा के लिए। मुझे नहीं लगता कि अभी कितना टाइम लगेगा। एक्चुअली कोहिमा जो है वो नागालैंड का कैपिटल है, ठीक है, और ये 200 किलोमीटर इंडियन और म्यांमार का जो बॉर्डर है ना, वहाँ से 200 किलोमीटर है। अगर किसी को भी यहाँ पे आना है तो दीमापुर है जहाँ पे एयर सर्विसेज है, जो आप वहाँ से आप यहाँ पे आ सकते हो, नहीं तो कलकत्ता वो भी एक ऑप्शन है। ये जो सेमिटरी है ना, यहाँ पे एक्चुअली एक बंगलो हुआ करता था, तो यहाँ पे फाइटिंग हुआ था, जो जितना भी लोग यहाँ पे मरे हैं ना, तो उन लोगों का अंतिम संस्कार यहीं पे हुआ था, और वहीं पे बहुत सारे कहानियाँ हैं। जापानीज मिलिट्री एडवांस करके यहाँ तक आ चुका था। यू नो हाउ वर्ल्ड वॉर टू हैपेंड एंड व्हाई इट हैपेंड एंड हाउ इट वाज एंडेड, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट यू। तो वहीं जाना था, तो एक सैल्यूट मारना था सारे जवानों को। सब सोच के रखा था, पता नहीं होगा या नहीं, और ऊपर से एक चर्च भी तो जाना है, नहीं तो मुझे कल नागा एक हट है तो वहाँ पे भी जाना है। तकरीबन 3-4 घंटे का रास्ता है, तो ये सोच कर रखा था कि आज ये ख़त्म कर लूँगा और मैं शायद गाड़ी में सो जाऊँगा। ये देखो नींद भी आ रही है, चलो कोई नहीं, तो I'll go there, I'll finish the cemetery. Maybe I will try and finish the church also. If not, then I will go to the Naga Hut village. वही प्लान है। और परसों मुझे माउली पहुंचना है, क्योंकि परसों मुझे प्लान के हिसाब से तो वहाँ पे एक आइलैंड है जहाँ पे दे एक्चुअली गिव आउट रूम्स फॉर यू नो टू एक्सपीरियंस नागा वे ऑफ लाइफ और लिविंग लाइफ, तो वो भी मुझे मतलब करना था, मतलब महसूस करना था। आई वॉन्ट टू फील ऑल दैट। पता नहीं क्या होगा। अब इंटरनेट पे जब मैंने सर्च किया तो वहाँ पे एक रूम भी अवेलेबल नहीं है, फ़ोन करने की कोशिश की तो नंबर अवेलेबल नहीं है, तो मैं सोचा था कि अगर यहाँ पे किसी से पूछ के मैं निकलूँगा, क्योंकि कल मुझे जल्दी मतलब सुबह सुबह निकलना है। वहाँ से मैं निकल गया यार, यहाँ पे लाइट भी नहीं है। अच्छा, वहाँ से मैं निकल गया और अभी हम लोग जा रहा है तौफीमा। तो ये देखो, ये नागा का, अच्छा नागालैंड का एक सिंबल है, तो वही जा रहा हूँ। तो वहाँ पे मुझे हट मिल जाएगा, ऑनलाइन में कुछ नहीं दिखा रहा है, तो मैं आपको अगर नंबर भी मैंने ट्राई किया था वो जा नहीं रहा है, तो वहाँ जाके मैं देखूँगा। और नागालैंड जैसे मैंने सोचा था वैसा ही नहीं है यार। जैसे कि मैं नागालैंड से पहले मैं इम्फाल में था, इम्फाल छोटा सा शहर है, उससे भी बड़ा शहर है एक्चुअली नागालैंड, स्पेशली कोहिमा। और वहाँ पे जितना भी कार्स है ना, वो जी वैगन, मर्सिडीज का जी वैगन, निसान का, हम जो मेरा गाड़ी है वो मैंने तकरीबन 10 गाड़ियाँ तो देखी होगी, और फॉर्च्यूनर, सारे बड़े बड़े गाड़ियाँ थे, सारे बड़े बड़े गाड़ियाँ थे। और वहाँ पे मैं रुकने वाला था, तो मैंने सोचा कि भाई वहाँ पे एक मेमोरियल है, एक चर्च है और एक सेमेटरी है, खाली यही तीनों जगह है जो दिखाने के लिए, मतलब शूट करने के लिए। तो मैंने सोचा कि आज, एक्चुअली कल का प्लान था, तो मैंने सोचा अभी क्या 35 किलोमीटर्स है, मतलब 1.5 घंटा, तो मैंने सोचा कि 1.30 आज है, तो जल्दी यहाँ पहुँच के सो जाऊँगा, मतलब आज रात को यही हट पे सो जाऊँगा, कल सुबह वहाँ का जो एक लाइफस्टाइल है वो मैं कैप्चर करके आपको दिखा दूँगा, यही मेरा प्लान है। और ऊपर से वो ये जगह जो मैं जा रहा हूँ वो किसी ने लिया नहीं है, और ये जो हट है ये नागालैंड का जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये रिकंस्ट्रक्ट किया है, ताकि हमें नागा जो कल्चर है, वो जो ट्राइब है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले, और टूरिज्म प्रमोट भी कर रहा है। तो जो टूरिज्म प्रमोट कर रहा है, आपको तो
नंबर देना चाहिए ऑनलाइन, और ऑनलाइन बुकिंग भी होना चाहिए, ये दोनों नहीं है। बहरहाल अभी तो मैं निकल गया, अभी 20 मिनट में मैं पहुंचूंगा। जैसे ही मैं पहुंचूंगा, पहले तो मुझे ये हट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन में जैसे मैंने कहा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वहाँ जाके देखना पड़ेगा अगर रूम अवेलेबल है, अगर रूम अवेलेबल है तो वहीं पे रहना है मुझे, और खाना भी वहीं का चाहिए, क्योंकि नागालैंड का जो ऑथेंटिक खाना है वो मुझे चाहिए, और वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक तो चीज़ ये है, और दूसरी चीज़ ये है कि एक बार ये ख़त्म हो गया, मतलब कल सुबह मैं निकल जाऊँगा दीमापुर के लिए, वहाँ रुकूँगा। आसाम, मतलब आसाम स्टेट है तो आपको पता ही है। तो उसके बाद मैं माउली जाऊंगा, माउली से मैं वहाँ पे एक आइलैंड है, वहाँ पे जाके आई विल स्टार्ट एडिटिंग। वहाँ पे एक छोटा सा साइकिल लेके घूमने के लिए एक जगह भी है, तो वो भी करना है। उसके बाद मेरा प्लान है, एक टी स्टेट है यहाँ पे, 41 टाइप्स ऑफ टीज आर देयर, आई लव टीज, जो मुझे जानता है दे नो दैट आई लव टी। तो मैं वहाँ जाके आई कैन टेस्ट ऑल द 41 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी, और उसके बाद मैं गुवाहाटी के लिए निकल जाऊँगा, फिर नेपाल ट्राई करूँगा। नेपाल तकरीबन 3-4 दिन से, 3-4 नहीं 5 दिन तो लगभग लगेगा। उसके बाद मैं नेपाल के लिए निकल जाऊंगा, फिर नेपाल तकरीबन 5-6 दिन होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और परमिशन भी मिलना है, वीज़ा भी लेना है, और वो जो प्रोसेस है वो भी मैं बताऊंगा आपको। और जितना भी ये मैंने कवर किया है, जितना भी टूरिस्ट स्पॉट्स है जो आपको भी देखना चाहिए, जो मैंने मिस किया है, वो सारे डिटेल्स मेरे पास है। अगर आपको चाहिए तो मुझे DM कर देना, और मैं आपको पूरा लिख के आपके जो प्लान है या फिर आपके जो नंबर ऑफ डेज का ट्रिप है उस हिसाब से मैं करके आपको दे दूंगा, ठीक है? तो भूलना नहीं। तो चलिए, अभी नहीं, 20 मिनट का रास्ता है, 20 मिनट में पहुंचेगा अभी। आई एम ऑल्सो टायर्ड, क्योंकि रास्ता इतना ख़राब था कि पूछो मत, है ना? तो चलिए, तो फाइनली मैं दीमापुर पहुंच गया। कल रात को बहुत थक गया था, इसीलिए इसके वजह से मैंने वीडियो नहीं ले पाया। एक्चुअली मैं गाड़ी में सोया था, क्योंकि मुझे टी टेस्टिंग के लिए निकलना है, और कल का जो प्लान था, कल हमारा जो प्लान था वो हो नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे बंद है नागालैंड में, तो वहाँ रुक के फ़ायदा नहीं है। और ऊपर से मुझे एक स्केड्यूल है जो फॉलो करना है, और मैं एक्चुअली 3 घंटे वहाँ पे एक नागा का एक बहुत ही अच्छा एक ट्रेडिशनल साइट था, जहाँ पे हम लोग उनका ट्रेडिशनल खाना भी खा सकता है, वो जो लाइफ है ना वो एक्सपीरियंस भी कर सकता है। मैंने सोचा था कि कभी कोई यूट्यूबर गया नहीं है और वीडियो नहीं ले आता वहाँ का, तो मैंने सोचा था कि वो एक्चुअली हमारा चैनल का हाईलाइट होगा, मगर कोई नहीं, आगे भी बहुत कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे सोया था मैं, एक्चुअली मैं कंट्री इन में आया था, उन्होंने बोला कि पैसा 2000 पर नाइट है, तो मैंने मतलब मुझे लगा कि वेस्ट होगा शायद, तो इसके वजह से मैं नहीं ठहरा। तो उनसे मैंने परमिशन मांगा और मैं यहीं पर सो गया, गाड़ी ऑन करके सोया था, बट बिकॉज इट वॉज़ वेरी हॉट। और सुबह जब मैं उठा तो मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा था, तो यहाँ का जो रिसेप्शनिस्ट है वो बिहार से है, एक्चुअली सारे बंदे अच्छे ही होता है यार, तो ही एक्चुअली हेल्प मी दिस गाय। आपका नाम क्या था? चंदन कहाँ से है? बिहार से। तो इन्होंने मेरा बहुत मदद किया, तो इन्होंने एक रूम खोल दिया मेरे लिए, मैं पूरा वॉशरूम जाके मतलब फ्रेश हो गया, तो थैंक यू सो मच यार। थैंक यू, बोलने कोई जरूरत नहीं, बोलना चाहिए, क्योंकि आज के दुनिया में है ना, मैं यही कोशिश करता हूँ कि जहाँ जहाँ काइंडनेस है ना, क्योंकि काइंडनेस बहुत डिफ़िकल्ट है मिलना या फिर देखना, तो वो एक चीज़ है मैं अपने ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहता, क्योंकि ये मतलब मैं जहाँ जब मैं बहुत सारे घुमा हूँ अभी, अच्छा पूरा इंडिया में, अभी
नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ बाकी है, बाकी सब घूम गया। तो जहाँ जहाँ गया ना वहाँ वहाँ मुझे अच्छा ही बंदे मिले यार। ये तो अच्छी बात है ना, सीरियसली अच्छा है। हाँ, नसीब की बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आप बता करते हो ना, बात करते हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो, तो वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, वो भी ऐसा ही आपको ट्रीट करता है। जैसे आप अक्कड़ से बात करोगे तो आपको अक्कड़ ही वापस मिलेगा। मैं एक्चुअली वहाँ से कहाँ से आ रहा था, मैं आइजवाल से मैं इम्फाल जा रहा था। अच्छा अच्छा। तो रास्ते में फॉरेस्ट है तो उन्होंने बंद किया, उन्होंने कहा कि 5 बजे के बाद में आप जा नहीं सकता। तो वहाँ पे एक पेट्रोल पंप था, वहाँ पे मैं तैर गया। वहाँ पे इतना लॉरी ड्राइवर्स थे, मैं उन्हीं के साथ गया था। अच्छा। और इतना मतलब हमारा इतना बातचीत हो गया, इतना मतलब घुल मिल गया। उन्होंने मेरे फैमिली के बारे में पूछा, मैं उनके फैमिली के बारे में पूछा, हम लोग बैठ गया। फिर हम मेरे पास वो स्टव है। अच्छा अच्छा। तो चाय वाय बना लिया, फिर हम लोग पी लिया सब। बहुत यही मैं बता रहा हूँ क्योंकि सब कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट बहुत डेंजर है। नहीं, पहले था, पहले तो टेरिस्ट जगह था ना। हाँ, अभी तो ठीक है, अभी सही। हाँ, क्योंकि टूरिज्म को भी हमें सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे इतना नेचर भरा हुआ है, मतलब वाटरफॉल्स ये वो फलाना पता नहीं क्या क्या। हाँ, बहुत गए यार। आसाम का भी अच्छा है, तो आसाम में भी यहाँ आसाम में भी है। मुझे कोकोजान साइड में ना, अच्छा कोकोजान बहुत अच्छा है, मुझे जाना चाहिए। मगर यहाँ पे एक टी, ये जो आसाम का आसाम है ना, टी कैपिटल स्टेट है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक टी टेस्टिंग सेंटर है, रिसर्च सेंटर है, जहाँ पे 40 टाइप का टी आपको मतलब टेस्ट करने के लिए मिलता है। तो वहीं पर जा रहा हूँ मैं। हाँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट जाऊँगा एक माउली करके एक जगह, मतलब एक आइलैंड है, फेरी के थ्रू जाना पड़ेगा आपको। अच्छा। तो गाड़ी के साथ जाऊंगा तो वहाँ पे हट मिलेगा। अच्छा। तो वो भी एक एक्सपीरियंस है। कल एक्चुअली मैं नागा, एक यहाँ पे एक प्लेस है नागालैंड में, नागा ट्राइब करके एक ट्राइब है ना, तो उनका उनका एक कंस्ट्रक्ट किया था गवर्नमेंट में, जहाँ पे आप लोग रह सकते हैं, पी सकते हैं, उनका जो खाना है वो आप टेस्ट कर सकता है। वहाँ पर गया था, 2 घंटे 2.5 घंटे ट्रैवल कर गए। कहाँ से? कोहिमा से। कोहिमा से गया? हाँ गया था, बट पूरा बंद है, कोरोना के वजह से बंद हो गया था। फिर फ्लड हो गया, फिर फॉरेनर्स नहीं आ रहा है। मैं अकेले बंदे था। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं है, आप चले जाओ। तो मैं हाँ, तो मैं नहीं कर पाया, नहीं तो वो भी मुझे ऐसा जगह मिल जाता। सिर्फ निकलना ही सही है ना। हाँ यार, हाँ यार, बिल्कुल यार। चलो यार, थैंक यू। हाँ जी, कैसे हो यार? आपका नाम क्या? वे वे। वे वे, वाई वाई, वाह, ओके, कूल है। आप कहाँ से हो? हम यहाँ पे हैं, नागालैंड से। अच्छा यार, यहाँ का जो नागा ट्राइब है ना, कोहिमा में, वहाँ पे गया था, वो बंद पड़ा था यार। मुझे एक वीडियो लेना था नागा का। हाँ जी, वो नहीं पाया। दिसंबर में होता है, हॉर्नबिल होता है ना। हाँ, सीजन मेन हॉर्नबिल। हाँ, बट मुझे, मैं अभी निकल गया तो मैं सोचा कि नागा का जो एक्चुअल ट्राइब है, उनका जो लाइफ है, तरीका है, जीने का तरीका है, वो सब मैं कैप्चर कर दूंगा, मगर नहीं हो पाया। सो सैड ना। नहीं, सो सैड नहीं। आपका घर कहाँ पर है? मेरा घर डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा। अब यहाँ का एक्चुअली नागालैंड का जो ट्रेडिशनल खाना क्या है? पोर्क होगा। पोर्क होगा। पोर्क के साथ क्या डिश क्या होगा? पोर्क के साथ प्रेग्नेंट सोयाबीन भी होगा, अखुनी बोलता है वो। अखुनी? हाँ जी, वो मिल जाएगा। एक्चुअली वो बहुत कमन है इधर। अच्छा, क्यों? अगर आपका ट्रेडिशनल वो है तो वो ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। अलग अलग करेक्टर होता है ना, मतलब बना डिश अलग अलग होता है। जैसे कि बिहार का क्या है ट्रेडिशनल? ज़्यादा लिट्टी चोखा होता है ना, तो वो हर जगह पर मिलता है ना। हाँ, तो वो भी अलग अलग, पटना में अलग होगा टेस्ट, अलग होगा है ना, सामान तो सेम होगा। हाँ, सामान तो सेम होगा, वही में होता है। नहीं नहीं, यहाँ पे ना एक्चुअली भैया क्या है ना, नागालैंड डिस्ट्रिक्ट है ना, यहाँ पे बहुत सारा ट्राइब, एक तो है नहीं ना, जैसे हम लोग
तो हम लोग का अलग अलग स्टेट होता है ना, सेम ऐसा नागालैंड में समझ लो, यहाँ पे कास्ट के हिसाब से नहीं, आप समझ लो ये दूसरा स्टेट ही हो गया, वहाँ अलग लैंग्वेज अलग खाना सब कुछ अलग अलग हो जाता है। हर 5 किलोमीटर पे ना आपको डिफरेंट लैंग्वेज मिलेगा, डिफरेंट खाना मिलेगा, डिफरेंट ट्रेडिशनल मिलेगा, कुछ सब सेम है, अलग है तो कुछ सेम नहीं है। तो इधर से आप देख जाते हो ना, आप गेट देखते हो, गेट का मतलब वो अलग विलेज हो गया। अच्छा, समझ रहे हो ना, क्योंकि जब आप गेट देख रहे हो ना तो समझ जाओ वो अलग विलेज है, अलग ट्रैप से हो गए बस। जैसे कश्मीर को स्वर्ग बोलता है ना, नॉर्थ ईस्ट का स्वर्ग है जीको वैली। जीको वैली लेकिन वो थोड़ा डेंजरस है, लेकिन बहुत सुंदर है, सुकून मिलता है। लेकिन आपको बोला ना जैसे माउंट एवरेस्ट है, ऊपर जाने का जो सुकून मिलता है वो सेम सुकून आपको मिलेगा हर जगह पर, हर जर्नी में आपको मिल जाएगा वो सुकून। एक बार टॉप पिक पे जाने के बाद ना आप ऐसा हाथ लगे कर रहे हैं ना, उसका मजा ही कुछ। आप भी आओ ना, हम लोग साथ में चलते हैं कभी दिसंबर में। तो चलो यही है यहाँ का स्टोरीज, तो मैं अभी निकल जाऊँगा, ये एक्चुअली चाय बना रहा है, चाय पी के मैं यहाँ से निकल जाऊँगा सीधा, अभी टाइम हो गया 8:30, तो फिर चलते हैं।